Hey guys, welcome to Learn and Achieve YouTube channel. इस वीडियो में हम इंडिया रशिया रिलेशन इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज 2019 के बारे में जानेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले एसएसबी के लेक्चरेट ग्रुप डिस्कशन और एफकेट आईनेट एनडीए और सीडीएस के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले जानते हैं रशिया के बारे में। एरिया के हिसाब से रशिया सबसे बड़ी कंट्री है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया की करेंसी है रूबल। रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर है दिमित्री मेदवेदेव। रशिया में जो लेजिस्लेचर है वो एक फेडरल असेंबली है जिसमें अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल कहा जाता है, लोअर हाउस को दूमा कहा जाता है। दुनिया की सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई थी यूएसएसआर ने, जो 1957 में बनाई थी। उसका नाम था स्पुटनिक 1। और रशियन कॉस्मोनॉट यूरी गगैरियन पहले ह्यूमन थे जो स्पेस में गए थे, वो भी वोस्टोक 1 में। सबसे पहले तो जानते हैं इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में। इंदिरा एक बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और रशिया के आर्म फोर्सेस के बीच में कंडक्ट की जाती है, लेकिन 2017 में इंडिया और रशिया के आर्म फोर्सेस के बीच में पहली ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। 2017 में इस एक्सरसाइज को रशिया के व्लादिवोस्तोक में कंडक्ट किया गया था। सबसे पहली इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी 2003 में। 2019 में ये मिलिट्री एक्सरसाइज बबीना, जो झांसी के पास है, पुणे और गोवा में कंडक्ट की जाएगी। ये मिलिट्री एक्सरसाइज 10 दिसंबर से 19 दिसंबर 2019 तक कंडक्ट की जाएगी। इंदिरा जैसी मिलिट्री एक्सरसाइज इंडियन आर्म फोर्सेस और रशियन आर्म फोर्सेस के बीच इंटर ऑपरेटेबिलिटी को एनहांस करने का काम करती है। जानते हैं कौन कौन सी शिप्स ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। रशियन नेवी की तरफ से स्लावा क्लास की गाइडेड मिसाइल क्रूजर वरियाग और एडमायरल पेंटिलेव ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही उदयलो क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप और सी टैंकर बोरिस बुटोमा ने रशियन नेवी को रिप्रेजेंट किया। इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस रणवीर, जो एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, आईएनएस सतपुरा, जो एक इंडिजीनियस फ्रिगेट है, आईएनएस कदमत, जो एक इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट है, आईएनएस कुथार और आईएनएस खंजर, जो इंडिजीनियस मिसाइल कॉर्वेट्स हैं, और आईएनएस ज्योति, जो एक फ्लीट टैंकर है, उसने पार्टिसिपेट किया। जानते हैं कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट्स के बारे में जो इंडियन एयरफोर्स आर्मी नेवी द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, जो रशियन ओरिजिन के हैं। Su-30 MKI, MiG-29 UPG, MiG-21 Bison, Mi-17 हेलीकॉप्टर, Mi-35 हेलीकॉप्टर, AN-32, IL-76, IL-78। इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य, T-90 टैंक्स, साथ ही T-72 टैंक्स भी, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। साथ ही इंडिया और रशिया ने जॉइंटली डेवलप किया है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस। प्रोजेक्ट 11356 रशिया इंडियन नेवी के लिए 4 शिप्स को बनाएगी, जिसमें से 2 शिप यांटार शिपयार्ड, जो कैलिनग्राड में है, वहां पर बनाई जाएगी और बाकी 2 को इंडिया में बनाया जाएगा। ये एडमायरल क्रिगोविच क्लास की फ्रिगेट्स हैं, जिसे क्रिविक क्लास भी कहा जाता है। साथ ही इंडिया ने रशिया से डील साइन की है आईएनएस चक्रा 3 के लिए, जो अकुला क्लास की न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। ये आईएनएस चक्रा 3 इंडियन नेवी में 2025 में शामिल हो जाएगी और इसे 10 साल के लिए लीज पे लिया जा रहा है। ये तीसरी सबमरीन होगी जो इंडियन नेवी रशियन नेवी से लीज पे लेगी। इससे पहले ईयर 1988 में आईएनएस चक्रा 1 को 3 सालों के लिए लीज पे लिया गया था और 2012 में आईएनएस चक्रा 2 को 10 सालों के लिए इंडियन नेवी के लिए लीज पे लिया गया था। और
इंडियन आर्मी के लिए AK-203 असॉल्ट राइफल्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा अमेठी में। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।